आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये मेरा तीसरा श्रृंखला है केमिस्ट्री का। और कन्फर्मली मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए देखते हैं सावनीकरण, जिसका मैं 101% दावा करता हूँ कि ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा इस बार। साबुनीकरण में क्या होता है कि हमें एक रिएक्शन लिखनी होती है और थोड़ा सा थ्योरी लिखनी होती है कि जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण तथा ग्लिसरीन में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब देखिए इसकी रिएक्शन कैसे कराते हैं। ये इसकी रिएक्शन होती है CH2O CO C17H35 और ये आपका हो जाएगा CH2O CO C17H35। फिर यहाँ पर भी ये हो जाएगा CH2O CO C17H35। ये आपका हो जाएगा ग्लिसराइड एस्टर। और इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे तो इसकी रिएक्शन होकर के ये बनेगा CH2OH CHOH और आपका CH2OH और प्लस में आपका हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा 3C17H35COONA। ये आपका ग्लिसराल हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा साबुन। ये आपका साबुन है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि ग्लिसराइड एस्टर की क्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो ये ग्लिसराल बनेगा और आपका साबुन जो है ये बनकर निकल जाएगा। ये आपका साबुनीकरण की अभिक्रिया हो गई है। इम्पोर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में अगला क्वेश्चन है उल्टा जब क्रिया। उल्टा जब क्रिया क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक एल्किल हैलाइड जो होती है, एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम उल्टा जब क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका मेथिल आयोडाइड, इसकी क्रिया हम सोडियम से करा देंगे और 2 अणु हमें लेने हैं मेथिल आयोडाइड के। तो यहाँ से आपका ये जो मिल करके एक अलग आपका रिएक्शन कर देंगी और यहाँ से आपका बन जाएगा C2H6 और ये दोनों आपका मिलकर के बनाएंगी 2NA यानी सोडियम आयोडाइड। ये आपका एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन यहाँ से बन जाएगा उल्टा जब क्रिया में। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर ये उल्टा जब क्रिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार ये भी बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है। अब अगली रिएक्शन हम आपको बता देंगे, सिमिट अभिक्रिया। अब आज बता देंगे हम आपको सिमिट अभिक्रिया क्या होती है। ये भी आपकी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सिमिट अभिक्रिया का। इसमें देखिए, इसमें रिएक्शन देने को कहा जाएगा आपको, तो यहाँ पर इसके कई रिएक्शन कई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसका। तो सिमिट अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, आपने इसका नाम सुना होगा, ये है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की क्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करा देंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 के प्रेजेंस में जब करा देंगे तो मेथिल अमीन बन जाएगा। ये आपका मेथिल अमीन बन जाएगा, मेथिल अमीन, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस निकल जाएगी और नाइट्रोजन गैस जो है ये बाहर निकल जाएगी। यानी कि जो सिमिट अभिक्रिया होती है उसमें जो है
किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांसल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा देते हैं तो हमें एमीन प्राप्त हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। बहुलीकरण भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। तो आइए देखते हैं बहुलीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। इसमें केवल आपको बहुलीकरण की अभिक्रिया ही लिखने के लिए आती है। तो यहाँ पर बहुलीकरण की अभिक्रिया हम देखिए कैसे करेंगे। ये आपका इसकी रिएक्शन है NH2C(CH2) और इसको हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उच्च ताप व दाब पर गर्म करते हैं। तो ये आपका बन जाता है CH2। इस यही आपका बन जाता है पॉलीथीन, ये आपका है पॉलीथीन, ये आपका हो गया पॉलीथीन बन जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक बनता है। तो ये अब इससे हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा CH2CHCl। अब हम पॉलीमर वाला कर देंगे, ये बहुलीकरण कराएंगे, इसका बहुलीकरण, बहुलीकरण जब कराएंगे तो ये आपका रेडी बन के हो जाएगा CH2CH और ये आपका हो जाएगा Cl। ये आपका PVC है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कभी PVC का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। इसका पूरा नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब एक अभिक्रिया और बच गई। अगली रिएक्शन है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण देखिए क्या होती है। इसमें क्या होता है, किसी असंतुलित हाइड्रोकार्बन के द्वि अथवा त्रिबंध के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा एथीन हो गया, ये हमारा हो जाएगा एथीन। एथीन की क्रिया हम हाइड्रोजन से कराएंगे। तो जब हाइड्रोजन से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकिल और इसको 473 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ये H2 जो है, एक H इसके साथ में, एक इसके साथ में चला जाएगा और आपका जो बॉन्ड है वो क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आपका हो जाएगा एथेन। ये क्या बन गया, एथेन। यानी कि हम एक ये भी कह सकते हैं कि एथीन से एथेन बनाना, एथीन से एथेन बनाने में भी इस रिएक्शन को किया जा सकता है। और क्या होता है, जब एथीन की क्रिया हम हाइड्रोजन से निकिल के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है, एथीन बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जिसमें सावनीकरण और बहुलीकरण जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।